अमेठी जायस मलिक मोहम्मद जायसी क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 आज शुभारंभ। तिलोई विधानसभा प्रत्याशी प्रदीप सिंघल अशरफी ग्राउंड खुदवा पहुंचते ही सबसे पहले ग्राउंड में बने मजार पर माला चढ़ाकर आशीर्वाद लिया। क्रिकेट ग्राउंड पर पहुंचते ही क्रिकेट के संचालन ने फूल मालाओं से प्रदीप सिंघल जी के किया जोरदार स्वागत, लगे प्रदीप सिंघल जिंदाबाद के नारे। तिलोई विधानसभा प्रत्याशी प्रदीप सिंघल जेएस में हो रहे क्रिकेट प्रतियोगिता मलिक मोहम्मद जैसी क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 का फीता काट कर किया शुभारंभ। सभी टीमों को टी शर्ट भेंट किया और खिलाड़ियों से परिचय किया और यह भी संदेश दिया कि सभी खिलाड़ी आपस में प्रेम भाव से खेल को खेले। साथ ही ग्राउंड पर हजारों की संख्या रही मौजूद। सभी युवाओं ने कहा कि इस बार भारी संख्या में सभी वोट करें और हमें विधायक बनाएं। यह भी कहा कि इस बार का चुनाव हम नहीं सभी युवा प्रदीप सिंघल बनके चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम बने विधायक तो आप सभी विधायक होंगे। कोई काम विकास का कार्य नहीं रुकेगा, जीते तो पूरे विधानसभा का विकास करेंगे। और यह भी कहा कि इस बार चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, तिलोई विधानसभा के सारे क्षेत्रवासी प्रदीप सिंघल बनकर चुनाव लड़ रहे हैं। साथ में रहे मौजूद शकील इदरीसी, रौफ गुर्जर, कलीम मिया, सैयद जैन, काफी संख्या में समर्थक गण रहे मौजूद। लोग पांच पांच साल जीत करके चले जाते हैं, जायज की तरफ मुंह नहीं देखते। अब की मौका मिला है हर एक उस व्यक्ति को, हर जायज के व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को विधायक बनने का जायज के मौका मिला है। वो सब मिल करके अब के 27 तारीख को पंजे पे वोट करें और खुद को विधायक मान करके खुद विधायक बने। जो भी काम होगा वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे जायज का होगा। और आपको ये भी मालूम होगा कि जो घर में रहेगा, जो घर होगा, पहले अपना घर ठीक करेगा। तो ये जायज है। सभी से मेरा आग्रह है कि आप लोग सब लोग मिल करके अच्छे वोटों से यहाँ से जीत करें, जिससे कि सारे काम और सब लोगों का मान सम्मान और सब कुछ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्रिकेट के लिए आप लोग ज़्यादा देर ना करें, नहीं तो हमारे युवा साथी हमारा नेता कैसा हो? अमेठी से मनोज यादव की रिपोर्ट।